हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा वर्मा और आज है सैलेड चैलेंज का डे टू। आई होप आपको सैलेड चैलेंज का डे वन पसंद आया होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं रोस्टेड सोया चंक सैलेड विद फॉक्सनट ड्रेसिंग। ये बहुत ही रिच सैलेड है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर और आप इसको कोई भी मील में इंक्लूड कर सकते हैं, लंच या डिनर। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, आई एम नॉट कीपिंग वेल टुडे, बट यस, दैट्स नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज ऑन द टेस्ट ऑफ एनी ऑफ दीज सैलेड्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स चेक आउट द रेसिपी। सबसे पहले मैंने थोड़ा पानी गर्म होने रख दिया है। जैसे ही ये पानी बॉइलिंग स्टेज पे आएगा, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप सोया चंक्स और इसको हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो इनको अब मैं एक बोल में निकाल के अच्छे से ठंडे पानी से धो लूंगी। अब मैंने एक पैन को गरम होने रखा है और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑयल। ऑयल के गरम होते ही मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/4 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर और मैंने इसमें डाल दिए हैं सोया चंक्स और इनको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये जो सोया चंक्स हैं हमने जो पानी से निकाले थे, इनको आपको थोड़ा सा स्क्वीज आउट कर लेना है ताकि जो ज़्यादा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। इनको हमें क्रिस्पी होने तक इसी तरह पकाना है मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए सोया चंक्स जो हैं वो थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं। इसमें मैं सीजनिंग के लिए थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोया चंक्स रेडी हैं। अब हम पहले ड्रेसिंग की तैयारी कर लेते हैं। ड्रेसिंग बनाने के लिए मैंने थोड़ा पानी को गर्म होने रख दिया था। पानी गर्म होने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप मखाना, 5 से 6 मैं इसमें काजू ऐड कर रही हूँ और इसको हमें इसमें सोक होने देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से सोक करके रख लिया था। अब मैं इसका पानी निकाल कर इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए ड्रेसिंग रेडी हो गई है। मैंने इसको कोर्स ग्राइंड किया है, एकदम बारीक नहीं किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा और पानी मिला के इसको ग्राइंड करके एकदम पतला भी बना सकते हैं। अब मैंने एक बोल लिया है, बोल में मैं डाल रही हूँ 1 बारीक कटी हुई प्याज, 1 ग्रेट किया हुआ गाजर, 1 टमाटर और 1 मैं यहाँ पे क्यूकम्बर यानी ककड़ी यूज़ कर रही हूँ। आप ध्यान रखिए कि आप जो भी वेजिटेबल्स डाल रहे हैं सब इक्वल क्वांटिटी में डालें और अगर आप कट करके डाल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर प्याज टमाटर और ककड़ी को कट किया है, तो वो एक ही साइज़ के होना चाहिए। सैलेड में ये अगर हम एक ही साइज़ के वेजिटेबल्स डालते हैं तो सैलेड अच्छी लगती है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसमें मैं ऐड कर दूँगी सोया चंक्स जो हमने अभी क्रिस्पी बनाए हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारी फॉक्सनट ड्रेसिंग जो हमने अभी बनाई थी। ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसे आपको मिक्स करना है तो आप या तो स्पून से कर सकते हैं या इस तरह फोक से भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। फाइनली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोया चंक सैलेड विथ फॉक्सनट ड्रेसिंग इज रेडी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई है। ये हाई फाइबर रेसिपी है, हाई प्रोटीन हाई फाइबर। आप इसको आपके मील में बिल्कुल रख सकते हैं अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं।